मेरे को तो नहीं भाई, सही लग रहे यार, मेरे को तो नहीं लग रहे। तेरे को दिखाने के लिए थोड़े कर आया मैं। किसको दिखाने हैं? जिसको दिखाने हैं उसने देखनी है। और आते वक्त ना काफी ध्यान रख, मतलब ध्यान रख नहीं बोल सकते। सो ही गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग आ रहा है 9 दिनों के बाद। पहले चल रहे थे एग्जाम्स, सो फर्स्ट सेम के एग्जामों के सारे खत्म फिलहाल। तो अभी का सीन कुछ ऐसा, तो अभी तो 6 मंथ के बाद होने हैं एग्जाम। फर्स्ट सेम के तो खत्म हो गया और अभी 8-10 दिन छुट्टियाँ मेरे को, 8-10 दिन तक, क्योंकि कुछ बच्चों को पेपर रह गया था। उनका एग्जाम 10 तारीख है, तो 10 मार्च को, तो हो सकता है 10 मार्च तक हमें छुट्टियाँ हो। अभी थोड़ा कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा। पहले मैंने 8-10 मतलब इतना गैप मैंने कभी नहीं लिया ब्लॉगिंग में। तो फिलहाल तो अभी चलते हैं जिम में, मैं और स्मित आ रहे हैं। आज स्मित भी चलेगा मेरे साथ जिम, काफी मस्त ब्लॉग होने वाला, वर्कआउट वगैरह करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, ये सीन है आज का। तो फिलहाल तो लेट्स गो। चलो भाई, अभी इसको दिया मैंने थोड़ी देर चलाने के लिए दुकान तक, तू ले चल। चलो गाइस, आज का ब्लॉग हो रहा 10 दिन के बाद शूट। ये पहले स्कूल गया हुआ था, अभी अभी आया स्कूल से, और मैंने स्कूल चल जिम में इसलिए, क्योंकि आज बोल रहा है कि बाल स्ट्रेट करवाने हैं। क्या शौक चढ़ा है इसको अभी बच्चे को बाल स्ट्रेट कराने का, बच्चे को। और क्या तेरे से हाइट में मैडम, और मैं जिम करूँगा तो बाल स्ट्रेट करवाएगा, फिर रुपया ना इकट्ठे चलेंगे। तो पक्के रोड पे आ गया अभी, उसका वेदर काफ़ी मस्त वाला है। हरे भरे खेत, सरसों देखो कितनी बढ़िया लग रही है भाई खेतों में, मतलब व्यू है ना एकदम, ब्यूटी ऑफ नेचर इज एट ऑन द पीक। इन व्लॉग में तो नहीं दिखाता डेली कि जिम कर रहा हूँ मैं, पर हाँ, पर मैं डेली जाता हूँ जिम। उस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ मैं। इस वक्त ना भाई जंगल में जाने का मन कर रहा है, ऊपर हिल स्टेशन पे चरनोट, सिटी वगैरह में करते हैं ज़्यादा लोग मोटो व्लॉग वगैरह, पर यहाँ पे विलेज में व्लॉग करने का ना एक अलग ही लेवल का भाई, जो आपको मिलता ना ग्रीन कलर इज इक्वल टू पीस। तो गाइस अभी आ गए हम जिम में, और आते वक्त ना काफ़ी ध्यान रख सा, मतलब ध्यान रख नहीं बोल सकते, बुरा सा सीन हो गया। क्या हुआ कि हम आ रहे थे और अभी घर से निकले ही थे, मतलब थोड़े रास्ते में ही, तो जैसे मोटो ब्लॉग पूरा सेटअप फुल वगैरह की हुआ था, और आते आते ना वीडियो बंद हो गई, और जितना भी रिकॉर्ड किया ना मैं ऐसे पूरे रास्ते में बोलता है, इतना मस्त मस्त रिकॉर्ड वगैरह किया, सारा उठ गया। चलो वो तो गया ही गया, ऐसे काफ़ी बार उठ जाता मैं बताता नहीं ब्लॉग में, मतलब कभी कभी ये तो होता रहता है, छोटी छोटी बातें, उड़ गया तो उड़ गया। ये तो चलो हुआ ही, एक बुरी बात तो हुई ही है, और उसके साथ साथ क्या हुआ, माइक था जो ये वाला हेलमेट है ना यहाँ पे था, ये माइक हमारा, ये वाला माइक था, ये अटैच करा हुआ था मैंने इसके बीच। और आज गलती क्या तेरा क्या हुआ सीन, अब टूट गया इसका भी भाई फोन गिर गया। आज का बैड डे है, बता हो गई स्क्रैच थोड़े थोड़े से नीचे चला गया, यहाँ पे रख रहा पागल, यहाँ पे रखा इसने, यहाँ से देखा ना इस एंगल से इसने ऐसे रखा और इधर से बीच से निकल गया। मेरे वाला बता दो मैं आपको माइक का क्या चक्कर हुआ, माइक का क्या हुआ कि यहाँ पे लगाया हुआ था बीच में, और आज मैं दूसरा हेलमेट लेके आया था, तो इस वजह से इसमें माइक फिट नहीं आ रहा था, तो मैंने जैकेट में डाला माइक और ऐसे अटैच किया हुआ था सिर्फ माइक का, और ऐसे मैंने हेलमेट उतारा, और माइक की आगे वाला जो रिकॉर्डर होता है ना उसका माइक्रोफोन, वो पूरा का पूरा वो भी वही टूट गया। मतलब आज ना दो चीज़ें होगी बैड, बहुत ही बैड, एक तो ये वाली तो बहुत ही बैड होगी भाई, ये वाली खाली 1200 का तो भाई माइक है। चलो ये तो गया, ये देखो ना इसका ये चीज़ ना आगे से टूट गया भाई, इसको ना इसको एक ये पड़ी हुई है कि पहले चल मेरे साथ बाल स्ट्रेट करवाने हैं। एक तूने इनको क्या स्ट्रेट कराना, तेरे है ही नहीं बालों पर, थोड़े से तो है तेरे। पहले अब इसके साथ बाल स्ट्रेट करवा के आते हैं, नहीं तो ये वो जिद करता रहेगा तब तक इधर ही रोता रहेगा, फिर क्या फ़ायदा, चला जा। के 5-6 बाल ऊपर सिर पे अभी बचे हुए हैं, स्ट्रेट करवा के आते हैं पहले तो। यार तो सारा ये अकेला, पर इसको पता ही नहीं जाना कहाँ पे है, पता तो है, फिर जा अकेले, तू नहीं चला सकता भाई गलियों में, ऐसे कैपेबल नहीं है तू गलियों में चलाने के लिए। अबे झटके नहीं दे, मेरे को उड़ाएगा पीछे से, किधर नीचे, हाँ सीधे चला आगे। तो गाइस अभी आ गए हम भैया के सैलून में, यहाँ पे पहले वॉश वगैरह कर रहे हैं भैया बड़ी से, इसके बाल स्ट्रेट करने का कोई फ़ायदा है, छोटे छोटे तो हैं इसके बाल। तो
तो गाइस मैं तो अभी आ गया हूँ जिम में, क्योंकि वहाँ पे उसको अभी टाइम लगना था, भैया बोल रहे 40 मिनट से 1 घंटा तक लगेगा, 1 घंटे में उसका हो जाएगा, 1 घंटे के बाद इतने देर में वर्कआउट वगैरह करता हूँ। फिलहाल तो आज है हमारे बाइसेप्स और बैक, तो दो फिलहाल तो गाइस प्री वर्कआउट जिम से वाले के गाने तो मस्त वगैरह गाने। पहले हम शुरू करेंगे बैक से, तो फाइनली गाइस अभी सुमित आ गया हुआ है बाल स्ट्रेट करवा के। फिलहाल तो अभी निकलते हैं, ये जिम में भी नहीं आया। बात सुना है क्या ये इधर है भाई को हर एक को नहीं तो ये फिर क्या पैसे बनवाएंगे आने वाले। चलो भाई आते वक्त तो मोटो व्लॉग नहीं हो पाया, मतलब कैमरा ही नहीं ऑन था, हुआ कैमरा अपने आप बंद हो गया आधे में, पता नहीं कैसे हुआ यार। अभी मोटो व्लॉग वैसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई अभी ना माइक ही टूट गया, आज करना था वर्कआउट सेशन शूट पूरा जिम में, पर स्मित उधर साहब एक कैटरिंग वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहा था हेयर को, जो भी बाल वगैरह स्ट्रेट करवा था, 1.5 घंटा लग गया इसको उधर ही। तो अभी दिखाइए अपना खूबसूरत खूबसूरत चेहरा, इधर देखा वो। हाँ हाथ नहीं लगाना, मेरे को तो नहीं भाई सही लग रहे यार, मेरे को तो नहीं लग रहे सही। मेरे को दिखाने के लिए थोड़े कराया मैंने। किसको दिखाने हैं? जिसको दिखाने हैं उसने देखनी है, तुम रहने दे। किसको दिखाएगा? चल दिखाएगा इसको, इतना बता दे भाई। सो गाइस एंड करते हैं किस व्लॉग को, अभी टाइम हो रहा शाम के बजे 7:30। सो वहाँ पे व्लॉग मैंने शूट किया तो था पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो एक अलग हुआ था। चलो ऐसा होता रहता है, फिलहाल तो एंड करते हैं किस व्लॉग को। सो आई होप कि आपको इसका व्लॉग बढ़िया लगा, होगा व्लॉग बढ़िया लगा सो लाइक कर देना, व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Giving up your dreams.